गाइस मेरा पहला इंटरव्यू है सिद्धार्थ कदन जी के साथ यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा थैंक यू तिरछी टोपी वाले वाओ और बिलीव यू मी जब भी मैं कोई स्कूल का फंक्शन होता था कॉलेज का फंक्शन होता था आई यूस्ट टू डांस ऑन दिस सॉन्ग बट मैं हमेशा विश करता था कि मेरे सामने सोनम हो और आज मेरे सामने सोनम है कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं मैं समझ नहीं आ रहा है मैं क्या फील कर रहा हूं क्योंकि आप हमारी क्रश रही हैं इतने सालों से हम आपको देखते रहे बड़े पर्दे पर हम लोग ऐसे होते सोनम और आज मेरे सामने बैठी है कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा दिमाग में मेरा क्या चल रहा है इस वक्त इवन नाउ और दिल से कह रहा हूँ सबसे नहीं कहता हूं ये इतनी खूबसूरत लग रही है थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ऑब्वियस है शायद आप इंटरव्यू दे रहे हैं थर्टी थ्री ईयर्स के बाद एब्सोल्युटली। मतलब थर्टी थ्री ईयर्स आपने कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है <laughs> नहीं नॉट not...

सारे रूल तोड़कर आपने अपना पूरा पोसोला बनाया जो आप करती थी उस जमाने में लोग आज कर रहे हैं क्यों छोड़ा छोड़ा इसलिए क्योंकि बहुत कम उम्र थी सत्रह साल की थी और महा बेवकूफ़ थी आज अगर बोले मुझे वो करने के लिए तो मैं कभी ना करूं हालांकि जो मुझे मेरा बेटा है जिसके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूं तो बस वो आ जाता मेरी गोद में बैठ जाता और मैं अपना करियर शुरू करती मतलब कंटिन्यू करती तो अच्छा रहता बट uh, हाँ गलती हो गई नहीं छोड़ना चाहिए था फील हो रहा है अभी wow, so जो गलतियाँ आपने की आपने एक स्टेटमेंट बोली है राइट right? जी वो क्या गलतियाँ थी करियर छोड़ना <laughs> आम... इतनी कम उम्र में शादी करना is something which is not good. Mm. But, uh, जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो मेरी सारी गलतियां जो हैं वो एकदम सही हो जाती हैं तो आई एम ओके अभी तो आपका बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड की तरह दिखता है आपके हम उम्र का दिखता है क्योंकि yeah. आप इतनी Literally, पता भी नहीं चलता कि बेटा साथ में में जी जी। हम लोग ओवरसीज़ uh, थे यूरोप में और किसी ने उससे पूछ लिया कि uh, ये आपकी वाइफ है क्या वाज लाइक माय मॉम एंड नाउ आफ्टर दैट सेज मॉम डोंट गो एनीवेयर आई या बट when I look back, जब आप इस पीक पे थी जी क्या आपको इतना प्यार हो गया था कि आपने हुँ. कहा यार मैं करियर छोड़ दूंगी स्टारम छोड़ दूंगी प्यार के वास्ते ऐसे ही कुछ लगा शायद अब तो याद नहीं आ रहा बहुत टाइम गुजर गया बहुत टाइम गुजर गया अभी तो सिर्फ बेवकूफ़ी नजर आ रही है और कुछ नहीं मेरी तरफ से आपने कौन से रूल्स तोड़े उस जमाने में जो उस वक्त लोगों ने कहा सोनम आप मत तोड़ो मत तोड़ो आपने तोड़ा वो क्या मैं जानता हूँ पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अरे आपको एक किस्सा सुनाती हूँ शायद ज़्यादा लोगों को इस बा, इसके बारे में पता नहीं है आई एम फेमस फॉर बींग बिकिनी गर्ल एंड बिलीव इट और नॉट आई डोंट नो हाउ टू स्विम आई डोंट नो हाउ टू स्विम आई हे गॉट वाटर फोबियर तो जो भी मेरे शॉर्ट्स लिए जाते थे uh, पूल के अंदर या पूल से बाहर वो सब शैलो में लिए जाते थे तो यस आई वाज वेरी बोल्ड ज uh, मैं उस वक्त भी समय से आगे थी uh, कभी मुझे कोई टेंशन या कोई तकलीफ नहीं हुई बिकनी पहनने में या घूटने में या uh, शॉर्ट्स देने में आई एव ऑलवेज बीन अ बोल्ड पर्सन बट समेयर अराउंड 18 और समथिंग आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी ऐसा लगता है मुझे अब अब लगता है ऐसा वो आइडेंटिटी आपने क्यों खोया क्योंकि किसी ने जो आपका आपके पार्टनर थे या फिर किसी ने आपको बोला यार यू नो सोन अब ये मत करो वो मत करो आइडेंटिटी एक बोल्ड लीडिंग कैसे किया फिर देखिए उसमें गलती मेरी है आ, किसी और को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इतनी कम उम्र में आ, जो अपना आत्मविश्वास है वो बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला भी जाता है तो मेरे साथ वही हुआ और बच्चा मेरा पैदा हुआ गौरव मेरे लड़के का नाम है वो पैदा हुआ मेरी ट्वेंटी बर्थडे से पहले तो मैं बस उसके पीछे भागी उसके पीछे आई ग्रो अप विथ माई सन मैं अपने सन के साथ बड़ी हुई हूँ तो मुझे मेरे बच्चे की वजह से कोई चीज़ ख़राब या कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है माने जब अपने बेटे को देखती है तो आप बोलती है एवरीथिंग इज वर्थ इट एवरीथिंग इज वर्थ इट डेफिनेटली बट उस जमाने में बट बट स... वो आसमान से टपक के आ जाए मेरी गोद में वो बेटर रहेगा वो वो <laughs> तो शायद ना हो पाए पर ठीक है जब सेक्स सिंबल बुलाया जाता था आपको यस yes. उस जमाने में वो वर्ड टैबू था क्या हाँ हाँ बिल्कुल टैबू था क्या आपको लगता है? था, कि सोनम दी एक्ट्रेस ओवर हो रही थी सेक्स सिंबल टैग से एक्चुअली मैंने बहुत कम साल काम किया है मैंने कुछ तीन साढ़े साल एक्टिवली काम किया है ऑलमोस्ट 35 फिल्म्स की किए आपने आप हाँ थर्टी हैं और इतनी कम उम्र में मैंने ये सब डिटेल में सोचा ही नहीं और सेक्स सिंबल होने में क्या बुराई है इज नो हार्म इन इट वॉट्स अ बिग डील इट्स अ गुड थिंग इफ यू हैव इट शो इट बट उस समय लोग आपको जज करते थे करते होंगे तो उनकी प्रॉब्लम है नहीं करते हैं तो गुड <laughs> मैंने आपको घंटा फर्क पड़ता था क्यों मुझे पूछती in तो भी नहीं थी मैं कितना कमा रही हूँ महीने में I mean, प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं कभी कुछ नहीं तो यानी जो प्रोड्यूसर्स आपको पैसे देते थे वो माँ बाप के पास जाता था। जी जी मैं उनके लिए काम कर रही थी आप क्या, कौन उनको सपोर्ट करने के लिए और आई से इट वेरी प्राउडली कि उस जमाने में चौदह साल की उम्र में आई वॉज़ इंडिपेंडेंट आज कल लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं बोल्ड होने की बात करते हैं hmm. वो सब मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी एटलीस्ट तीस साल पहले तो आपके पेरेंट्स क्या कौन से बैकग्राउंड थे यू आर मिडिल क्लास फैमिली या एब्सोल्यूट मिडिल क्लास फैमिली एब्सोल्यूट मिडिल क्लास फैमिली तो आपको वर्क करना पड़ा पैसे जी, कमाने के लिए। जी जी तो शायद इतनी जल्दी आप काम नहीं करती अगर पैसे का प्रॉब्लम ना होता तो नहीं तो किसी किस बट आई आई एम एम वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी है पंद्रह साल की लड़की को अच्छा नहीं लगेगा डीवा यू नो सिटिंग कोई जो है चाय लेकर आ रहा है कोई मेकअप ठीक कर रहा है आई वॉज वेरी हैप्पी बट किसी ने आपको तो फोर्स नहीं किया एक्टिंग करने के लिए नहीं इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ये हमारी लड़की तो है ही है लेकिन हमारा बेटा भी है तो It's very, it, it was nice, but I lost them very soon in life, so तो तो कि I was 27 when I lost my mother and I was uh, 29 when I lost my father So those two years, my parents passed away, my and I am the only child I am the But वो जो छोटी सोनम थी जी उनको हमेशा कीड़ा था एक्टिंग का नहीं नहीं था नहीं था कहाँ से आया फिर काम करना पड़ा तो आ गया तो कुछ और भी तो कर सकती थी आप कि ये किसी ने आपको स्पॉट किया क्या कि आप ऑडिशन लिए जाती थी नहीं मैं एक्चुअली गई एक छोटा फोटो सेशन किया और वो तस्वीरें लेकर मैं फिरोज खान साहब के पास गई तो उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया एंड ही मी मैं आपको यलगार के लिए साइन करता हूँ तो मैंने बोला वेरी गुड एंड ही टोल्ड मी अपना नाम मत बदलेगा माय रियल नेम इज़ बख्तावर खान तो मैंने बोला ओके okay. लेकिन फिर यलगार शेल्फ हो गई और उसकी जगह उन्होंने बनाई दयावान तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको विनोद खन्ना जी लेट विनोद खन्ना जी के ऑपोजिट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आप उम्र में बहुत छोटी दिखती हैं क्योंकि आप हैं और अगर मैंने आपको उनकी लड़की का रोल दिया उस ज़माने में अगर लड़की का रोल करो या किसी कैरेक्टर का रोल करो तो यूज़ टू तो गेट टाइप कास्टेड अरे इससे तो बेटी का रोल किया तो बेटी का ही रोल दो इसको हिरोइन का रोल मत दो तो मैं चुपके से वही स्क्रीन टेस्ट आ, मैं यश चोपड़ा के पास लेकर चली गई तो उन्होंने देखा और फ़ौरन साइन कर लिया और उन्होंने नाम रखा उन्होंने बोला बख्तावर खान नहीं डाकू का नाम लगता है तो डाकू <laughs> का नाम लगता है तो जब उन्होंने मुझे पिक्चर के लिए साइन किया तो उन्होंने कहा कि आपका रोल ज्यादा बड़ा नहीं है बहुत बड़ी स्टारकास्ट है तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाऊंगा एक्सक्लूसिव तो आपको जितनी पिक्चर है साइन करनी है कर लीजिए तो एक बार उन्होंने मुझे जो साइन किया फिर आ, आ, उसके बाद आ, मैंने, दी जी विजय ऑपोजिट ऋषि कपूर जी एंड आई ओ माई करियर टू हिम बिकॉज ही इंट्रोड्यूस मी टू यश जी मे बोथ ऑफ देम रेस्ट इन पीस या तो और मैंने यश जी को बोला था कि मैं अठारह साल की हूँ मतलब यहाँ लोग अपनी उम्र छुपाते हैं मैंने अपनी उम्र ज़्यादा बताई हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है तो मैं इस बात हाँ मैं क्या कह रही थी कि जब मैंने साइन की विजय तो मैंने कुछ तीस पिक्चरें छः महीने में साइन कर ली एंड आई हज टू डू लाइक दो शिफ्ट तीन शिफ्ट और उन दिनों ऐसा कल्चर था कि अरे आप दो शिफ्ट कर रहे हैं आप तीन शिफ्ट कर रहे हैं अरे यार मैं चौबीस घंटे काम करके आ रहा हूँ अभी दैट वॉज आर वॉक बिजी एक्टर है यार तो मज़ा आता था, था दो शिफ्ट करने में तीन शिफ्ट करने में नाइट शिफ्ट करने कभी में कभी ऐसा होता था कि ये सेट पे गई तो भूल गई अपने कैरेक्टर का नाम क्या है लाइंस क्या है वो सब हुआ है कि नहीं हाँ सब कुछ हो चुका है लाइंस बदल रहे हैं कॉस्ट्यूम बदल रहा है डांस स्टेप बदल रहे हैं वहीं रिहर्सल हो रही है वहीं डांट खा रही हूँ मास्टर जी से कहते शक्ल अच्छी है लेकिन नाचना भी तो सीख वेरी बैड इन डांसिंग तो इट वॉज इट वॉज सो मच फन तो वट एवर सीख इज दैट फिर हम लोग विजय के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाले थे तो यश जी ने बोला अपना स्कूल सर्टिफिकेट या कॉलेज सर्टिफिकेट ले आओ तो मैंने सोचा यार अभी तो बहुत पंगा हो जाएगा अरे झूठ पकड़ा जाएगा हाँ तो मैंने उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाया तो अरे तुम तो सिर्फ चौदह साल की हो अब क्या करें मैं तुमको निकाल पे मिलानी नहीं सर प्लीज 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 डोंट डू दैट से चलो ठीक है ठीक और उन्होंने बेसिकली सुमड़ी में कुमड़ी कर दिया पूरा ये मे गॉड ब्लेस हिम ही वाज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन जब आप माँ बनी एट अ वेरी यंग एज जी बीस साल की थी जी, आप राइट जी उस समय समझ आ रहा था क्या करना है बिकॉज़ इतने छोटे उम्र में बच्चाना करियर छोड़ना कंट्री छोड़ना ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी राइट uh, Yes, सब चीज़ें एक साथ हो रही थी लेकिन लाइक आई सेड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ मैं बच्चे के लिए अब्रॉड एजुकेशन uh, के लिए भी रुक चुकी हूँ मैं आई एम वेरी वेल ट्रैवल्ड तो पास्ट को लेकर रिग्रेट करना एक्चुअली बेवकूफ़ी होती है और कुछ नहीं बट हम उसे कुछ सीख सकते हैं yes? क्या सीखा हमने uh, मैंने ये सीखा कि लाइफ में आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें तो वो बेटर है किसी और पर नहीं कभी भी आप कभी किसी पर डिपेंडेंट रही हैं? यस yes. इसलिए इसलिए तो चौदह साल की सोनम जो काम करने लगी जो कॉन्फिडेंट थी बोल्ड थी पैसे कमा रही थी जो माँ बाप के पास जा रहा थाउटोलूटली which... मैंने आज तक कभी नहीं पूछा अपने माँ बाप से कितने पैसे आए नॉट बिकॉज आई वाज नाइस बस उस जमाने में स्ट्राइक ही नहीं होता था भाई माँ बाप के लिए कमा रहे हो मैनेज कर लेंगे ना तो जब डिपेंडेंसी किसी और पे हो जाता है अपने हैं आप को खोती है आप वही ना इसलिए मैंने आपको कहा ना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए थे लाइफ में uh, क्योंकि इतनी इंडिपेंडेंट यू नो इतनी इंडिपेंडेंट लड़की कम उम्र में शादी करे तो मेरे ख्याल से काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होगा आई एम नॉट द ओनली वन नॉट ब्लेमिंग एनी वन नॉट सेंग एनी थिंग रॉन्ग अबाउट एनी वन बट येस yes, हुआ था आइडेंटिटी क्राइसिस और वो आइडेंटिटी क्राइसिस एक्चुअली मेरा खत्म हुआ आफ्टर आई रीच्ड लेट माने आपने अपने आप को दबा के रखा है इंडिविजुअली फॉर मोर देन ट्वेंटी जी बस मुझे लगता था मेरी दुनिया मेरा बेटा है और कुछ नहीं है बाकी सब गए तेल लगाने बीस साल अपने आप को दबाया आपने That's a lot of time. दबाया नहीं बस अपने बच्चे के साथ में आई साउट ग्रोइंग अप नहीं बट वन आई मैंने दबाया एक कॉन्फिडेंट लड़की बिंदास लड़की जिसको बिकनी पहनना है वो पहनेगी जिसको नहीं करना है वो कहे जो लोग सोचे घंटा उनको फ़र्क पड़ता है बिल्कुल सडनली एक शेल में चले जाती है वो तो दबाना ही तो हुआ ना सोनम जी सिचुएशन ऐसी थी आ, कनन आ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था मेरा बहुत क्रूशल था क्योंकि माई सन ही इज़ गॉट ऑटिज्म एंड मुझे उस बच्चे के साथ जो मेरी औलाद है उसके साथ आई हैड टू बी विथ हिम ऑल टाइम्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम ही इज़ सो इंडिपेंडेंट ही फाइल्स फॉर माई टैक्सेज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ही इज़ माई फादर फिगर ही इज़ एवरीथिंग टू मी वा मुझे भी मिलाना मेरे दोस्त से yeah, मेरे भी टैक्सेस yeah. करवा देना yeah, आप, हा, हा? बोलते इतना नहीं पे करना है ममा इतना पे करना है एंड आई रियली सपोर्ट एवरीबडी हैज एनी काइंड ऑफ यू नो काइंडिटी उससे मेरा दिल बहुत करीब है चाहे कैसी भी डिसबिलिटी इट्स एक्चुअली मेरे लड़के का जो ऑटिज्म है मेड मी इनटू अ बेटर पर्सन मोर अंडरस्टैंडिंग मोर काइंड आई एम्पथाइज विद पीपल मतलब मैं लोगों को समझने की कोशिश करती हूँ पिटी नहीं करती दया वर्ड बहुत गंदा है यू you नो know? आप किसी पर दया कर रहे हो वो नहीं आपको किसी की सिचुएशन अगर सही नहीं उसको समझने की कोशिश करिए मुझे ऐसा लगता है आई थिंक जब भी मैं बी फादर और टू टू बेबी गर्ल्स जब से मेरे सात साल की बेटी है और चार साल की बेटी रही है मेरे लाइफ में मैं भी थोड़ा आ, इमोशनल हो गया लोगों के प्रति बिकॉज you know, कि मेरी बेटियाँ बोले यार जहाँ भी जाए तो लोग बोले तेरा बाप अच्छा आदमी था तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ जितना हो सके जब अ लेडी जिनको इतना सारा अटेंशन मिलता है हुँ. जब आप फॉरेन गई थी अटेंशन कम हो गया होगा राइट ग्लैमर से या फिर तब भी लोग आपको में करते थे लेकिन फिर एक एक दौर ऐसा आया जब मुझे कोई नहीं पहचानता था और मैं उससे भी बहुत खुश थी बहुत खुश थी तो आप ये नहीं सीख करती थी कि यार मैं बिकॉज़ एक बार मुझे शाहरुख ने कहा था और उन्होंने कहा था मुझसे और एक और जगह भी कहा था उन्होंने कि जब एक्टर आता है रूम में जी और कोई उनको रिकग्नाइज ना करे तो उनकी हालत टाइट हो जाती है

उस जमाने में कौन आपके अच्छे दोस्त है आपने चंकी के साथ काम किया है आपने अरे मैंने चंकी के साथ काम किया है गोविंदा जी के साथ काम किया है जैकी श्रॉफ के साथ काम किया है ऋषि कपूर के साथ ऋषि कपूर जी के साथ काम किया है एंड आई ऑल्सोटिंग फॉरगेटिंग समवन हाँ मिठुन जी के साथ भी काम किया है तो एक्चुअली वर ऑल वेरी नाइस टू मी गोविंदा जी तो मेरे को पकड़ पकड़ के डांस कराते थे ऐसे करो वैसे करो एंड बिकॉज आई वॉज सो यंग देवर ऑल वेरी 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 कर्टियस एंड वेरी वेरी काइंड टूवर्ड्स मी और मैं तो ऐसी थी कि मतलब का ब्रैट जैसी घुसी अपना स्टूडियो में शूटिंग करने के लिए मेरी फाइव स्टार का है नो जिम ईटिंग फाइव स्टार हाँ हाँ फाइव स्टार दो एंड आफ्टर ईटिंग फाइव स्टार से पैकअप कब होगा कैन यू इमेजिन दिस इज हाउ आई वॉज मैंने आप एम्बरेज करती थी अपना बिल्कुल बिल्कुल बट से कौन वो था जब आप इंडस्ट्री में नहीं भी थी ना तब भी आप इनके साथ टच में थी और वो कहते थे किसी के साथ नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली मैं मसरूफ हो गई अपनी जिंदगी में पर्सनल जिंदगी में किसी के साथ इन टच में नहीं थी मैं मुझे होना चाहिए था और मुझे इस बात का बहुत बहुत बुरा लगता है कि मैं नहीं रही इन टच में बट सच तो सच है नहीं रही मैं किसी के साथ इन टच में तो पर उस जमाने में बस मुझे लगा मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस काम करूंगी कभी नहीं ये जो नाम आपने लिए थे उस वक्त क्या आप कह सकते हो कि अगर आप तकलीफ में हो या कुछ भी हो अगर आप उनको फोन घुमाती तो ये आपके लिए खड़े हो जाते डेफिनेटली एप्सलूटली और इस, इस बात का मुझे कोई शक नहीं है कोई शक नहीं दे नहीं। नहीं। ने मेरी जैसी न्यू कमर के साथ काम किया आई मीन इट रिक्वायर्स गट्स टू डू दैट एंड बहुत अच्छे से काम किया बहुत अच्छे से बिहेव किया बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें सिखाई भी इवन द डायरेक्टर्स कुछ बताओ ना इंस्टेंसेस बिहाइंड सीन जैसे गोविंदा जी आपका हाथ पकड़ते थे राइट right? मैं डांस कर रहा था और बताओ ना पीछे जैसे तिरछी टोपी मैं विजय की बात बताऊंगी जैसे मैंने आपको बताया मुझे स्विमिंग फोबिया है तो वाटर फोबिया है नॉट स्विमिंग फोबिया ना तो मुझे यश जी ने बोला था देखिए आपको ये शॉर्ट्स देने पड़ेंगे आप स्विमिंग सीखिए जाके अब वो होराइजन होटल हुआ करता था तो वहाँ जूहू में तो वहाँ मैं सीखने गई तो वो जो कोच थे उन्होंने सीधा मुझे पूल में धक्का दे दिया मैं इतना डर गई उसके बाद कि मैं स्विमिंग सीखी नहीं कट टू वी गो टू बैंगलोर वी आर स्टेइंग इन मिनजर मैना वहाँ शूटिंग हो रही है और एक शॉट है जिसमें जो है हमको पानी में कूदना है ऋषि जी और मुझे तो वीवा गो ड्रॉप इन द शैलो एंड और मैंने यश जी को बोल दिया था मैंने स्विमिंग नहीं सीखी सॉरी तो उन्होंने बेचारों ने सब सेट किया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि शॉर्ट हुआ और हम लोग डीप एंड में घुस गए एंड आई एम पुलिंग ऋषि जी डाउन एंड आई डोंट टू स्विम मुझे लग रहा है ये तो मेरा आखिरी दिन है ये तो ख़त्म हो गया अब काम काम हो गया अपना

I'm sure you will. I know, I know for sure. Thank you. Neelam, Anita Rajji, Madhuri Dixit. क्या उस वक्त सारे एक्ट्रेसेस एक दूसरे के दोस्त भी थे नहीं नहीं थे मेरा कोई दोस्त नहीं था एक्ट्रेसेस में क्यों Michael ऐसे कंपटीशन क्यों होगी दोस्ती तो जब आप मल्टी स्टार जैसे आ, संगीता बिजलानी दिव्या भारती जी वो उनसे मेरी काफी पड़ती थी दिव्या जी के साथ हाँ जी बट uh, जब तक सबको पता भी चल गया था कि मैं पिक्चरें छोड़ रही हूँ सत्रह साल की उम्र में मैंने सारे प्रोड्यूसर्स uh, को बोल दिया था कि मैं शादी कर रही हूँ एंड uh, मैं और पिक्चरें साइन नहीं करूँगी और आपके पास एक साल है सारा सब कुछ रैप अप करने के लिए तो आपने सबको टाइम दे दिया था जी तो उस वक्त आपने दिव्या जी को भी बोल दिया था कि आप छोड़ के जा रही है दिव्या जी को बोला नहीं था लेकिन उनको ऑब्वियसली पता चल गया इंडस्ट्री कितनी छोटी जगह है संगीता बिजलानी जो आपके को स्टार्स थे त्रिदेव विश्वात्मा तो बस कोई आपके दोस्त नहीं थे उस वक्त नहीं मेरा कोई दोस्त ना कब तब था ना अभी कोई है नो तो जेन्यूनली ये था कि आप लोग आए सेट में शूट किया वैनिटी वैन चले गए कोई वैनिटी वैन नहीं थी मेकअप रूम था और ये छाते के नीचे बैठते थे, थे हाँ छाते हा? के नीचे और स्पॉट बॉय जो है मेरे लिए फाइव स्टार ला रहा है

कुछ तो ना माने कैसे आप आते हो सुनो मैं हूं मैं एक एक्ट्रेस हूं आप सोनो अब बस आते हो सेट पे हाय बस ये ये मेरी लाइंस ये इनकी लाइंस बाय बस ये बस कोई एक्ट्रेस आपके साथ बिची रही है क्या मैं क्यों बताऊं आपको नाम नहीं पूछूंगा इंस्टेंट बता दो नाम नहीं पूछ रहा नाम नहीं बता इंस्टेंट बताऊंगी बता तो वो उसको पता चल जाएगा ना नहीं बता सकती अच्छा

अच्छा इसने मुझे ऐसे देखा मैं इसको ऐसे देखूंगी